अब आपको कौमी असेंबली की मिसाक पार्लियामान कमेटी के अजलास के बारे में बताते हैं। कमेटी अरकान शरीक हुए, अरकान ने कहा कि कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल करेंगे। आया सादिक ने कौमी असेंबली अजलास से खिताब में स्पीकर कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ने का इंदिया दे दिया। कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे मैं जिम्मेदार हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईजी ने बताया कार्रवाई स्पीकर के इल्म में थी। सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मौतली काबिल कबूल नहीं। अली जफर बोले कि गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी, मामला अब तक ठंडा न हुआ। सेनेट कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी, मामले की जांच के लिए बनने वाली कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कौमी असेंबली की मिसा के पार्लियामान कमेटी का इजलास हुआ। उमर का पार्लियामेंट में जो भी हो रहा था स्पीकर के इल्म में सब था। कोई नहीं, अनएक्सेप्टेबल सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? या डिमांड हम लोग करेंगे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैं करूंगा। सेनेटर अली जफर का कहना था सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हुकूमत के जो सरबराह हैं इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे नीचे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, इन दोनों में से किसी को माजरत के साथ इस्तीफा भी देना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी बोले, ऐवान में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।